नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। आज हम सीखेंगे टैक्स फंक्शन। क्या सीखेंगे? टैक्स फंक्शन। टैक्स फंक्शन होता क्या है कि जब भी हम कोई डाटा लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट हमें चेंजमेंट करना होता है, जैसे कि अल्फाबेट्स हो या फिर हम कोई डाटा जैसे राधा मिश्रा हो गया। जैसे हमने यहाँ पर दोस्तों देखिए कई सारे नेम लिख रखे हैं, राधा मिश्रा, राजद यादव हो गया, फातिम आलम हो गया, कालीशरण हो गया, इस तरह करके हमने कई सारे नेम लिख दिए। अब टैक्स फंक्शन क्या करेगा, इन फंक्शंस को हमें अरेंजमेंट करना है, इन फंक्शंस से इसको अरेंजमेंट करना है, क्योंकि कई बार हम जब डाटा बनाते हैं तो हमें उस डाटा को लोअर केस में करना होता है, अपर केस में करना होता है, और उसका जो गैप होता है उसको बैलेंस करना होता है, तो इसमें कई सारी दिक्कत आती है दोस्तों। तो चलिए आज हम इस चैनल्स के माध्यम से और इस फंक्शन से सीखेंगे कि किस तरह हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी फॉर्मेट के डाटा को हम लोअर में, प्रॉपर में और प्रॉपर और ट्रिम में कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, बहुत कमाल का चीज है ये और बहुत ही सिंपल। देखिए देखिए, हमने सब सारे जो नेम लिखे हैं अपर फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। तो जैसे कि हमें कई बार डाटा लोअर में चाहिए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू लोअर, इक्वल टू लोअर ब्रैकेट ओपन, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्या आएगा, टैक्स, यानी टैक्स कहाँ पर है, टैक्स का हमें क्या देना, सेल नंबर। तो सेल नंबर क्या है, ये ए टू। ए टू का मतलब क्या हुआ, ए कॉलम में सेकेंड रो, यानी कि ए टू के अंदर जो सेल नंबर है उसके अंदर जो टैक्स है यानी राधा मिश्रा, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर। देखिए दोस्तों, हमारा जो ये टैक्स का फंक्शन ये लोअर केस में आ गया है। एक्सेल स्मार्ट वर्क का है तो इसलिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से इसे ड्रॉप डाउन कर देंगे तो सारा डाटा अपने आप आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अब अपर को सीखते हैं। अपर भी सिंपल सिंपल लोअर की तरह है। देखिए दोस्तों, अपर इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट द टैक्स, इसको सेलेक्ट करना है। टैक्स हमारा कहाँ पर है, राधा मिश्रा। इससे क्या होगा, सारा डाटा हमारा क्या हो जाएगा, अपर में। देखिए पहले से ये अपर में, तो ये अपर में हो जाएगा। देखिए अब देखिए प्रॉपर, अभी प्रॉपर का क्या काम है, तो प्रॉपर में सर क्या होगा, पूरा डाटा अरेंजमेंट हो जाएगा प्रॉपर में। जैसे पहला कैरेक्टर आपको अपर चाहिए, बाद में आपको सारे लोअर चाहिए, तो ये किससे होगा, प्रॉपर से। तो उसका फॉर्मूला क्या है, इजकल टू प्रॉपर, इजकल टू प्रॉपर ब्रैकेट क्लोज, सेलेक्ट करना है टैक्स। टैक्स कहाँ से, हमारा राधा मिश्रा से। देखिए दोस्तों, तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। देखिए सारा डाटा अपने आप अरेंजमेंट में आ गया। लेकिन देखते हैं हम, तो ये कॉलम से बाहर जा रहे हैं इसके कई सारे वर्ड्स, तो उसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे। कॉलम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस का साइन आएगा, ये देखिए, तो इसमें राइट क्लिक करेंगे, अपने आप अरेंजमेंट हो जाएगा। अब आते हैं ट्रिम पे। तो दोस्तों बताना चाहूँ, ट्रिम क्या करता है, गैप को इक्वल देता है। क्या देता है, गैप को इक्वल बैलेंस। जैसे मान लेते हैं राधा मिश्रा है, तो राधा जो है हमारा, हमने राधा मिश्रा जो लिखा हुआ उसमें हमने स्टार्टिंग बहुत ज्यादा गैप दे दिया। जैसे मान लेते हैं इसमें हम गैप दे के देखते हैं। देखिए जैसे रजत यादव ने कई सारे स्पेस दे दिए बीच में, फातिम आलम में जैसे मान लेते हैं फातिम आलम में हमने स्पेस दे दी कई बार, जैसे कालीचरण में दे दिए। देखिए दोस्तों, हम इसको मिटाते हैं और यहां से ट्रिम को लेंगे हम, क्योंकि बाकी फॉर्मूला में इसका इफेक्ट पड़ेगा। देखिए देखिए दोस्तों, हमने कई बार क्या किया, इसके जो स्पेस था इस वर्ड्स में कई सारे स्पेस दे दिया एक्स्ट्रा। अब ट्रिम पे क्या होगा, ट्रिम फंक्शन में इक्वल टू, हम जैसे ही ट्रिम करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए टैक्स मांग रहा है, कौन सा टैक्स है, ये वाला टैक्स, इसमें क्या, और ब्रैकेट क्लोज, तो इससे क्या होगा, जितना भी स्पेस होगा ये बैलेंस में आ जाएगा। देखिए राधा मिश्रा, देखिए दोस्तों अपने आप बैलेंस आ गया। और एक्सेल क्या है, स्मार्ट वर्क है, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम क्लिक करेंगे, अपने आप सब कुछ बैलेंस आ जाएगा। तो ये खासियत है लोअर की, अपर की, प्रॉपर की और ट्रिम की। तो दोस्तों ये बहुत काम आता है जब हम जॉब काम पे वर्किंग करते हैं और कई सारी शीट्स में हमारे पास डाटा आता है, तो उसमें कई बार अरेंजमेंट करने में दिक्कत होती है। तो आशा करता हूँ कि आई होप दैट कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करें। थैंक यू।